बस कर देना भी अम्मा, छोड़ देना है गुस्सा। गुस्सा क्या, मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ ताकि तुम लोग मेरी वजह से अपनी औलाद पर तशद्दुद जुल्म ना करो। अम्मा आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके सामने बुला के एसपी से माफी मांग लूं? ना बेटा, तुम तो मुझे माफ कर दो। मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो मैं अपने बीमार शौहर को मिलने चली गई। ब्रश पकड़ाओ मेरा। माँ जी, मुनीर जी को तो मानूर की बातों पे गुस्सा आ रहा था ना। बस तुम तो रहने ही दो सलीका। तुमने तो खाम खा का बुगस पाला हुआ है तन्नू और उसकी औलाद से, जैसे उन्होंने पता नहीं तुम्हारा कत्ल ही कर दिया हो। हाँ तो कत्ल किया है ना अम्मा, शजी भाई ने, मेरे भरोसे का, मेरे एतबार का। रोज सोचता हूँ, रोज मरता हूँ मैं। मरे आपके दुश्मन, आमीन। और बाकी सारी बातें छोड़ें, माँ जी मुझे ये बताएं, हमारी बिट्टो बेचारी ने क्या दुश्मनी की है तन्नू भाभी से? क्या उनकी टांग तोड़ी है? हैं, चार टके के पीछे इस बेचारी का रिश्ता तोड़ दिया अपने भाई से? खुल गया मेरे नाम का खाता? तुम्हारे नाम का खाता उस दिन बंद होगा इंशाल्लाह जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और फुक्को तुम्हारे दिमाग से ना निकल जाएगा। फिर तो आप ना ही समझे। अम्मा मेरी वजह से अगर आपकी कोई दिलाजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अगर आप शजी भाई के घर गई तो समझिएगा आपने मुन्ने की इज्जत नीलाम कर दी आपने, वो भी भरे चौक पे। कह देता हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, मुझे छोड़ो। अम्मा ये तो मेरा कुर्ता है, ये ले। ये आ गया आपका लाडला, फ्रेश जूस बना के लेकर आया है। सुना है तुमने कुछ भी अम्मा जा रही है घर छोड़ के ताया की तरफ। कोई नहीं जाएगा मैदान छोड़कर दुश्मनों के मोर्चे में। एक सेकंड है उनका, जब मूड होगा मुंह उठा के यहाँ आ जाए। उनको क्या 113 खून माफ है और हम कहाँ जाए ठट्ठे खो। झगड़ा किसी का भी हो, मेरा नाम बीच में जरूर आना होता है। तो आप तो चुप हो जाए। अब जल्दी से ना अपना गुस्सा और ये मैंगो जूस एक ही सांस में पी जाए, मैं नहीं आपको कहीं जाने दूंगा। देख तेरी खातिर रुक रही हूँ मैं। तो फिर पिए ना। डाइट है? डाइट है 100%। माँ जी अब तो बैग खाली कर दूँ ना। अरे ये कपड़े मुझे ही हैंग करने पड़ेंगे, क्या करूँ।